विला जाते से मैं सबसे पहले हर्ष के पास जाती हूँ चीजें क्लियर करने की, भाई जो भी मैंने बोला और वो मैंने एक्सेप्ट किया। अब तेरे जैसे पॉइंट ऑफ व्यू वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपसे कोई क्लियर नहीं कर रहा। हर्ष मेरा बंदा है, मैं बॉसी हूं, मैं डिसाइड करूंगी। एक सेकंड, ये बॉसी वाला मेरे को बता दिया, उसने दिया तो मेरे को डाला। बट मैं बता रहा हूं, मैं पर्सनली मैं बॉसी हूं, मेरे को नहीं चाहिए कि मेरा बंदा उससे बात कर लिए। यू वांट टू एक्चुअली हेल्प नहीं करनी मुझे, हर्ष यू वांट टू स्पीक टू हर। मेरे पे इतनी चाय फीकी है तो क्या मैं बोलूं भी ना? ऑलरेडी इतनी सारी लड़ाई और आर्ग्यूमेंट हो चुके थे चैलेंज के टाइम पे, तो आई वाज नॉट ओके कि अभी इस टाइम पे तू आएगी तो नहीं बात कर सकती है। यू वांट टू स्पीक टू हर, हां हूं मैं नॉमिनेटिंग, कोई दिक्कत तेरे बंदा तो बोलने को भी मौका नहीं मिलता तो छोड़। एक सेकंड, यहां पर क्लियर फुटेज में दिख रहा था कि डोमिनेंट कौन है, तो आई थिंक मुझे ना कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। और वो मुझे बोल रही कि मैं डोमिनेंट हूं। आई डोंट नो इतना जोर से लड़ रहे हैं, इतना जोर से कुछ सुन ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। और फिर मैं और हर्ष एक कोने में बैठ रहे हैं, लाइक शिट यार कैसे संभाले इन दोनों को। मेरे ही रूम में आके तुम मुझ पे उंगली उठा रहे हो और मुझे डोमिनेंट बोल रहे हो, तो ब्रो गेट द फक आउट ऑफ माय रूम। हर्ष, ये कि जो भी चीजें मैंने बोली वो मेरा पर्सपेक्टिव था, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अच्छा ठीक है, मेंढक शेर जो भी वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा हक है, मैं रखूंगी। बेवकूफ हो, ठीक है, सेव किया तुम बेवकूफ। तो वो फेवर रिटर्न किया था उसने, क्योंकि हर इंटरव्यू किया था, तो फेवर रिटर्न करने लायक भी नहीं हो, चेंज किया था तुम लोगों के लिए, ठीक है, तो वो फेवर रिटर्न हुआ। अब बात बराबर हो गई, ओके हर्ष, आप बात क्या हुआ, आप जा सकते हैं यहाँ से।